Panda. I got broads in Atlanta. Chase the dog in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy. Look guys, welcome to Sam Gaming PMTH for Gmail Tournament H4K Day 8, match number 18 हमारा, जो कि प्लेन पाथ हमारा जाएगा अल्टा पावर 2000 की, और एक ड्रॉप क्लैश हमारा नोवोपोरियन हमें देखने को मिलता हुआ, टीम रेज वर्सेस टीम फेथ का, फेथ हैरी क्रैंक एंड हार्ड, 13 टीम्स 49 प्लेयर्स हैं, क्रैंक के पास है पीपी वाइजन, हैरी अभी लूट कर रहे हैं, M4 मिल चुकी है, फेथ हार्ड है एक के एम, वेज के प्लेयर्स से 3v4 फाइट रहने वाली है इनकी, टीम वैनम जो मिलिट्री बेस कैरी करेगी, टीम रॉके प्लेयर्स माइल्टा में उतर चुके हैं, टीम बोवैक्स छोटे छोटे कंपाउंड शूट करेंगे, टीम एच4 के लिए पॉप का लूट करेंगे, पोचिंग के अंदर टीम मोव TW ऑफिशियल स्कूल अपार्टमेंट, टीम फोनेक्स कैरी करेगी अभी वो एरिया हॉस्पिटल का, एंड टीम 90s का ये सवरनी के अंदर TW 2.0 जहाँ पर मौजूद है, राइडर जोकर लेजिट एंड सोनू चारों ही प्लेयर्स सामने होंगे, किंग्समैन फ्रास एंड चार्ली, ऑन द अदर साइड टीम CHV के प्लेयर हुआ जीटो ओपी सैडी डेक्स दी आकाश ओपी एंड ऑक्सफोर्ड ओपी हैं, और वहीं पर टीम मेजर्स लूट करेगी इस जॉर्जो पुल, और जॉर्जो पुल का बिग सिटी टीम CHV जी हाँ, एक ही ड्रॉप क्लैश आज देखने को मिलेगा हमें रंगल के गेम में जो फेथ के साथ है टीम रेज का, ड्रॉप क्लैश तो पहले भी हुआ था टीम फेथ का एल्पोजो के अंदर टीम मोव के साथ, बट वहां से निकल चुके थे, एक फॉल बैक देखने को मिल चुका था, बट यहां से बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे किसी भी टीम का फॉल बैक करना, RPT डेल्टा निंजा एंड हिटमैन चारों ही प्लेयर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, सामने फेथ के हैरी क्रैंक एंड हार्ड जो लूट कर रहे हैं, शायद से वो लेफ्ट हैंड साइड से को पकड़ना जाएंगे, लेकिन TW जी हाँ एक और ड्रॉप क्लैश था भूल चुके थे, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा नो किंग्समैन को निकालते हुए लेजिट उनके बदमाश फ्रास एंड चार्ली, दो ही प्लेयर्स बचे हुए जो किंग्समैन से थोड़ा दूर हमें नज़र आ रहे हैं, लेजिट ने नोक निकाला है, दैट्स वाई वो क्लोजिंग भी करते हुए बदमाश यहाँ से अपना किल कन्फर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे, बट वहाँ पर रिवाइव देने के लिए जा चुके हैं चार्ली, तो दूर से कवर एक एडीएस रखे हुए हैं, बट फ्रास जो हैं वो धीरे धीरे का क्लोज आते हुए लेजिट क्रॉस कर रहे थे, चार्ली की शॉट्स पड़ेंगे लेजिट को, बट वो फिर से वापस होते हुए जी हाँ एक अच्छी चीज़ यहाँ से, तो ये चीज़ एक अच्छा कवर फायर चार्ली की ओर से, दैट्स वाई किंग्स मैन रिवाइव होते नजर आएंगे फ्रास की ओर से, TW 2.0 बाकी क्या कर रही है, राइडर बहुत ज़्यादा दूर, सोनू भी दूर हैं, तो जोकर और लेजिट लूट कर रहे थे, जोकर भी इतनी दूर भाई, तीन प्लेयर शूटिंग रेंज आ गए थे, अच्छा 19 से अकेला फाइट लेजिट ही ले रहा था जो क्लोज करना चाहता था, वो भी यहाँ से अब रिवाइव हो चुके हैं, किंग्समैन तो अपनी टीम का वेट कर लेगा, ये तो एक खराबी सिचुएशन में डाल दे TW अपने प्लेयर को, जोकर अभी भी बग्गी लेकर आते हुए सीधा अपने प्लेयर को कवर फायर देने के लिए, कवर देने के लिए जोन बन चुका है हमारा काफ़ी अच्छा, जोन यसनाया का नज़र आ रहा है हमें अभी देखने में, तो फिलहाल राइडर जाएगा फिर रेज RPT का ग्रेनेड गिरेगा जो फेथ के हैरी को लेकर जाएगा, हैरी नोक हो चुका है, क्रैंक एंड हार्ड दो प्लेयर से, क्रैंक K9 से अब तक यहाँ नोक निकालने का ट्राई करता हुआ, क्रैंक एंड हार्ड अपने आप को यहाँ बूस्ट करता हुआ फर्स्ट एड लगा चुका है, 3 फर्स्ट एड जिसके पास है, क्रैंक का भी होल्ड करे हुए हैं, एक कैंप पर स्विच कर चुका है वो भी, टीम रेज क्लोजिंग करती हुई, हैरी बहुत ज़्यादा ओपन में पीछे आ रहा है, और रेज हिटमैन को नोक कर देगा फेथ हार्ड, लेकिन फेथ हार्ड को नोक कर देगा रेज RPT, टीम फेथ के दो प्लेयर्स नोक कर देते थे, फेथ के हैरी ओपी पोजीशन में जिसमें नोक रिवाइव हो रहे हैं, वहाँ से जरूर स्पॉट हो सकते थे RPT को, निंजा को बहुत अच्छा लोक किया था जी हाँ, काफ़ी अच्छा यहाँ फेथ हार्ड का गेम प्ले रहा था, अपने प्लेयर को हैरी को तो बच गए हैं, लेकिन यहाँ से फेथ हार्ड का बचना नामुमकिन टाइप ही है, क्योंकि वो नोक पड़े हुए हैं, फिर कन्फर्मेशन में देर नहीं करेगी टीम रेज, लेकिन फेथ के हैरी एंड क्रैंक ये दो फाइट लेते नजर आएंगे हमें, टीम रेज जो फ्लैंक करते हुए रेज RPT लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए, और हिटमैन हार्ड का किल कन्फर्मेशन लेने का फुल ऑन ट्राई ऑन की ओर से, डेल्टा यहाँ पर अपनी यूची लेकर बैठे हुए हैं, निंचा
बी है नहीं रेंज निंजा यहाँ से अभी पीछे फिर आठ की तरफ से कवर फायदे आ जाएगा। फिलहाल तो रेंज निंजा का पड़ेगा एम फोर का स्प्रे, फिर हरी ओपी नॉक आउट हो जाएंगे, उसी के साथ पीछे से आर पी टी ओपी जाकर कल कन्फर्मेशन ले लेंगे। क्रैंक का बी टीम फिर कर एलिमिनेटेड, 12 टीम्स 46 प्लेयर्स बचे हैं, नो बुक बोरिया नो में टीम रेंज का काबिज होती हुई अपने ड्रॉप पर। वहीं दूसरी साइड टीम वाराम के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं अपना मिलिट्री बेस का एरिया, लेकिन एक और ड्रॉप क्लैश जो हमारा हुआ है टीम 90s वर्सेस टीम TW 2.0, वो फाइट रहेगी कंटिन्यू, लेकिन 2.0 TW के प्लेयर्स निकलना चाहते हैं आई थिंक, सो फाइट इग्नोर कर रहे हैं या फ्लैंक कर रहे हैं वो अभी पता लग जाएगा। फिलहाल गूस्ट राइडर ऑलरेडी वहाँ पर हैं और उनके बाकी प्लेयर्स भी आ चुके हैं फ्लैंक कर कर, फाइट अभी कंटिन्यू रहेगी हमारी सवर्णी के अंदर। सवर्णी में 3v4 फाइट 90s वर्सेस टीम TW 2.0, 90s के साथ फाइटिंग एज रहने ही वाली है एंड 12 टीम्स 46 प्लेयर्स हमारे लाइव हैं। जहां पर जोन की बात कर लो तो मेजर फोनिक्स CHB वैनम रेज रो बॉब एंड मोब का भी कुछ कुछ प्लेयर जोन में नहीं है, यहां जोन पकड़ना इन सारी टीम्स को देता हुआ जो कि पहले भी दे चुका है। राइडर सीधा फ्लैंक स्लैम देता हुआ राइडर और TW 2.0 नोक करके फ्रास्ट को स्लैम देते हुए, लेकिन किंग्समैन राइडर को नोक कर देंगे। राइडर आई डोंट नो किस पोजीशन में कहाँ से नोक, जी हाँ बिल्कुल पीछे से नोक हुए, लेजिट को भी नोक कर देंगे किंग्समैन और दोनों का किल कन्फर्मेशन लेने का ट्राई किंग्समैन की ओर से। यू जी यहाँ टीम 90s का प्लेयर्स क्या ही अपनी टीम को बचाता है, राइडर का भी किल कन्फर्मेशन यहाँ से किंग्समैन लेते हुए। यू जी के साथ टीम TW 2.0 कहाँ इतनी अच्छी पोजीशन में थी और कहाँ फंस चुकी है किंग्समैन के क्लोजिंग में, सोनू आते हुए यूजी के साथ और नोक भी दे देंगे सोनू। यूजी के साथ स्कारल के साथ फिनिश ऑफ डालेंगे, टीम 90s के फ्रास एंड चार्ली बचे हुए हैं और TW 2.0 के जोकर एंड सोनू फ्रास को नोक करेंगे। जोकर बहुत ही अच्छा नोक यहाँ पर, चार्ली आते हुए क्लोज इन में TW के और दोनों ही साइड से मारेंगे पीछे, जोकर फिनिश ऑफ कर देंगे। सोनू जरूर नॉक हुए थे TW 2.0, चार किल्स उठाते हुए वो फर्स्ट थ्री किल्स उठाते हुए अपने, दो किल्स जोकर के एक किल सोनू का, राइडर एंड लेजिट फिनिश ऑफ हो चुके हैं। एक भी डी सिचुएशन जो ऊपर पीछे से किंग्समैन ने डाली थी उसके चलते फिलहाल एडो नंबर वन MK14 Level 3 हेलमेट वेस्ट के साथ आता हुआ एडो नंबर नॉर्मल ड्रॉप हमारा TW ऑफिशियल रोटेट करती हुई थोड़ा आगे जाती हुई मिड ऑफ द जोन जाके बैठी हुई है। टीम H4 के लिए पोपगा से निकल चुके रोटेट करते हुए, टीम रोमा इल्टा से रोटेट करती हुई, टीम बोवेक्स छोटे छोटे कंपाउंड जुट करके रोटेट करती हुई, टीम वैनम के प्लेयर्स काफ़ी स्प्लिट में रोटेट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल वैनम हंटर है मिलिट्री वाले ब्रिज पे और नोवो वाले ब्रिज पे टीम वैनम के सैजी, टीम रेंज भी निकलेगी अपने रोटेशन देने के लिए हॉस्पिटल और उसके आसपास के कंपाउंड। टीम फोनिक्स लूट करके निकलेगी, CHB भी लूट रही है मेजर्स का ऑलरेडी रोटेशन चालू हुआ, पोचिंग की साइड मॉब भी निकलती हुई जोन की ओर, सारी टीम्स ऑलमोस्ट जोन में रोटेट करते हुए। सैजी अभी रुके हैं हालात का जायजा लेते हुए, M24 उनके हाथ में, दे आर चेकिंग इन अ ब्रिज एंड टीम रेज में भी पॉसिबल हो उस ब्रिज से पहले ही उन्हें नजर आ जाएगी अगर थोड़ी देर हो वो यहीं पे अपना स्पोर्ट करते रहे प्लेयर्स को। तो वेनम के हंटर को ज्यादा ही दूर नजर आ रहे हैं मुझे उस ब्रिज पे, लूट ले रहे हैं अभी तो हंटर DP है उनके पास, AKM है बट उन्हें अभी भी वो लूट चाहिए। रेज के निंजा काफ़ी टाइम से व्हीकल में नज़र आ रहे हैं और वो निकले भी हैं अपना रोटेशन देते हुए, रेज डेल्टा को शायद से बैठा के लेके जाने वाले हैं, जी नहीं वो खुद भी रुके हैं। वैनम इसका लूट कर रहे हैं, सैजी स्टिल यहाँ पर स्पोर्ट करने का फुल ऑन ट्राई, कितनी देर में वहाँ से रेज के प्लेयर्स निकलेंगे वो अभी देख रहा होगा वैनम का प्लेयर। सैजी पूरा होल्ड करके बैठा हुआ है, टीम रेज की फाइट निपटी थी मालूम है उसे। फिलहाल रेज के निंजा अपनी व्हीकल के लिए जाते हुए और स्कल भी अपनी व्हीकल के लिए जाते हुए क्रॉस करने के लिए सीधा, एंड सैजी यहाँ पर पीछे ही होल्ड कर रहे हैं। मॉफ का AK को नोक करेगा रोल ऑफ विद द DP 2080, मॉफ के साथ तो फाइटिंग एज वो हो ही जाएगी। टीम रेज के प्लेयर्स निंजा यहाँ आते हुए नजर आए हैं कि मोवाइवर गेट नोक, सॉरी मोवाइवर ने एक नोक किया, लेकिन रोल ऑफ मॉफ के ड्रैकुला को भी लेकर जाते हुए दो प्लेयर्स बैक टू बैक टीम रोल ने नोक दे दिया। मोवाइवर ऑल्सो गेट नोक डाउन विद द DP 2080 ऑफ रोल ड्रैकुला और रोक ही जाएगा जो मॉफ के बहुत ही मॉफ डैडी को भी लो कर देगा। मॉफ डैडी इज द लास्ट सर्वाइवर फॉर टीम मॉफ, अपने आप को बैंडेजेस लगा रहा है पीछे ही है, रोक ही है रोल ऑफ दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर रोका है, बोर्ड नॉकआउट पड़ा हुआ है, रोल ऑफ फ्लैंक करता हुआ आगे जाता हुआ और फिनिश
भी शो ऑफ करेगा। 1v4 ओपी इन द चैट गाइज, रोल अप ओपी गाइज, क्या ही 1v4 किया है मोव को टीम रोके लव ने, बहुत ही अच्छा 1v4 निकाला है यहाँ से रोके लव ने। रोकी रोबोन नॉक पड़े हुए थे, उनको भी कब फायदा दे देगा रोल अप भाई, इस बंदे में दम है भाई। टीम वनम जो ब्रिज क्रॉस कर रही है रेज के साथ साथ ही ऑलमोस्ट एंड वहाँ पीछे से ही जस्ट रेज आ रही है, क्या वहाँ ध्यान जाएगा टीम वनम के प्लेयर्स का। अभी के लिए तो वो व्हीकल लेने के लिए रुके हैं टीम वैनम के प्लेयर्स, वैनम के साथ व्हीकल चेंज करने के लिए रुके हैं और रेस के प्लेयर्स पीछे रुक चुके हैं। टीम फोनिक्स रोटेट कर रही है, टीम सीएच भी रोटेट कर रही है एंड टीम मेजर्स की बात कर ली जाए तो मेजर के जैद, मेजर स्वाले, मेजर हम्माद एंड अमान यहाँ एक ड्रॉप मंगाते हुए फ्लेयर रोप जोन के अंदर आके फ्लेयर रोप मंगाते हुए एड नंबर टू उनका वो है और उसके अंदर से ओम उठा लिए मेजर स्वाले ने। पार्किंग देख रहे हैं हैवी ड्राइविंग, हैवी ड्राइविंग के नशे यहाँ पे मेजर अमान है वो मशीन गन। जोन बन चुका है सवर्णी के एरिया का जोन। टीम एच फोर के रोटेट करती हुई पूरा यसनाया की ओर से निकलती हुई एच फोर के वैनम के प्लेयर्स भी रोटेशन दे रहे हैं। टीम रेज के प्लेयर्स काफी होल्ड करे हुए हैं जोन में, शायद उन्होंने व्हीकल्स देख ली थी जाते हुए, क्या बिल्कुल वही चीज होती है। रेज निंजा एक फर्स्ट एड 11 बैंडेजेस के साथ है फिर भी अभी तक वो लूट ही ले रहे हैं। रेज के प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा मुझे इतने ज्यादा देर तक काहे लूट ले रहे हैं भाई। रेज आरपी टी हिटमैन एंड डेल्टा ये चारों प्लेयर्स भी हमें याद दिख ही रहे हैं आरपी टी डेल्टा और हिटमैन के साथ। तीन प्लेयर्स अभी व्हीकल लेके निकलेंगे, क्या वो एक ही व्हीकल है टीम रेज के पास आज मेरी नजर तो नहीं लग गई, जो डेली डेली उनके पास चार चार व्हीकल्स रहती थी। फिलहाल मेजर्स ऑलरेडी वो कंपाउंड होल्ड कर चुकी है, सीएचबी वाले कंपाउंड जिनको हम बोले जाते हैं, सीएचबी रोटेट कर रही है, वो दूसरी साइड जाकर रुकेगी। ऑलरेडी वो कंपाउंड यहाँ रोटेट कर चुकी है टीम वैनम, टीम मेजर सॉरी मेजर्स की प्लेयर्स ने एक अच्छी बात ये करी, दो एक कंपाउंड में हैं, दो एक कंपाउंड में, इट्स मीन एक आप सामने वाले कंपाउंड्स में किसी को आने नहीं देना चाहते। ज़्यादा नमान साथ में, सवाले एंड हम्बाद साथ में, टीम मेजर्स एक अच्छा होल्ड लेती हुई। लैंग्वेज के प्लेयर्स भी रोटेट करते हुए निकले हैं, एक विकार लेकर टीम रो के प्लेयर्स जिसने आया मैं अपने प्लेयर को कवर देकर रिवाइव देकर रोबोन को बचाकर रोल लव यहाँ से 1v4 निकाल कर आप जाएंगे जोन के अंदर। टेन टीम्स 37 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइज, क्या रहने वाली है यहाँ से टीम्स की फाइट्स वो अभी हमें देखने को मिलेंगी ही। रोल अप की बात ये देख लो आप, रोल अप आफ्टर डे 6 दिन के बाद टॉप 10 फ्रैगर्स में भी नहीं थे और जो कल के गेम लगाकर रोल अप टॉप 5 फ्रैगर्स में दिखेंगे आपको। इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्लेयर की फाइट होती हुई स्मोकी यहाँ पर बॉब के प्लेयर को नोक देते हुए विद इन अ मिनी 14 के टैप टैप शॉट्स जो बॉब के प्लेयर्स को पड़ेंगे वो फरकास को, यहाँ वो फरकास काफ़ी हद तक यहाँ पर लो भी उनको किया गया है ब्लड आउट, लेकिन स्मोक कर पर रिवाइव देने का ट्राई किंग एन पी की ओर से। टीम एच फोर के स्लैम देती हुई रहेगा आते हुए अपनी व्हीकल लेकर डासिया लेकर और सीधा उनके साथ ही दूसरा प्लेयर फोनिक्स भी एंट्री लेता हुआ जो बिग डैडी क्लोज में होगा। फोनिक्स यहाँ जम करके यहाँ पर शॉर्ट फाइट होते हुए ग्रेनेड बिग डैडी का खुद का ही पड़ता हुआ खुद को ही मार लिया है ग्रेनेड बॉब के प्लेयर्स ने। फोनिक्स उसका किल उठा के लेके जाएगा, रहेगा जो क्लोजिंग कर चुका है ऑलरेडी एम के साथ। मशीन गन यहाँ पर किसी के पास थी क्या? जी नहीं एम के ही थी। फिलहाल कजामा दूर है, फरकास ऊपर की ओर रिवाइव हो चुका है टीम एच फोर के प्लेयर्स, फोनिक्स भी उधर दूसरी साइड होल्ड बनाए हुए, फरकास एंड किंग एन पी दूर ऊपर साइड हैं। फिलहाल वर्ड्स फोनिक्स ने बहुत ही अच्छा नोक दे दिया है यहाँ पर किंग एन पी का, बिल्कुल पक्का पक्का क्लोजिंग करने वाली है टीम एच फोर के। बिल्कुल रहेगा जाते हुए अपर साइड एम के लेकर फरकास या रिवाइव भी दे रहे हैं और एक मोलोटोल करके रिवाइव देने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल एक सीढ़ी पर मोलोटोल डालकर उन्होंने यहाँ से रिवाइव देने के लिए टाइमिंग बढ़ा ली है अपने ग्रेनेड्स होते हुए। कजामा को नॉक करते हुए रहोग कजामा रहोग को नॉक करते हुए एंड इंस्टेंटली रिवाइवल उनकी ओर से एक प्लेयर की ओर से दिया जा रहा है रहोगा। यहाँ ऊपर से बीटी नहीं लेना चाहते, दैट्स व्हाई थोड़ा थोड़ा करके इधर आ जाएंगे, धीरे धीरे कर हो चुके हैं किंग एन पी रिवाइवल एंड हील करेंगे अपने आप को। 3-4-5 स्टिल टीम एच फोर के वर्सेस टीम बोवैक्स एंड वंस ही जाएंगे पीछे से। आमिर भाई यहाँ जाते हुए कजामा के साथ शॉट्स
अजामन ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको लो भी किया है। एमके के साथ रहेगा भी जाते हुए रहेगा को भी थोड़ा बहुत शॉट्स पड़े हैं। स्मोकी यहाँ से बीटी हो जाएंगे, अपर साइड से फर्कस नोक दे देंगे, लेकिन अंडर साइड फोनिक्स उनको नॉकआउट दे देंगे। फर्कस को किंग एनपी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है। कजामा यहाँ पर अकेला है, उसके ऊपर चार्जिंग यहाँ पर ज़रूर करना चाहेगी, लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी होते हुए फुंसी बहुत ज़्यादा लो है। कजामा उनको ईजिली नोक दे देंगे। फोनिक्स एंट्री लेता हुआ बैरल के साथ, या बैरल के साथ नोक एंट्री ली थी, बट रहेगा नहीं नोक दिया है एमके के साथ टीम वर्ड्स फोनिक्स। यहाँ पर कजामा का किल कन्फर्मेशन भी लेता हुआ, स्मोकी का किल कन्फर्मेशन किंग एनपी लेता हुआ टीम बोवैक्स के प्लेयर को। यहाँ हीलिंग शेयर हो रही है, किंग एनपी को फर्स्ट एड लेके लगाएगा, लेकिन रहेगा क्लोजिंग, सॉरी फरकास क्लोजिंग करता हुआ ऑलरेडी यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं। रहेगा के ऊपर कंटिन्यू फायर, फोनिक्स के प्लेयर फोनिक्स के ऊपर एंट्री लेंगे, लेकिन रहेगा का एक अच्छा कवर फायर, वो फरकास गेट नॉकडाउन, किंग एनपी से लास्ट मैन सर्वाइवल। किंग एनपी बचा हुआ है फोनिक्स के बैरल के सामने, रो पीछे से थर्ड पार्टी करने में लग हुई है और रो ही लेके जाएगी ये किल भी, रोकी के नाम टीम रो ओपी इन द चैट गाइस। रो के तीन प्लेयर्स हैं, क्या थर्ड पार्टी करेंगे, लेकिन टीम एच के तीनों ही प्लेयर्स लाइव हैं। थ्री किल्स के साथ ये फाइट होती हुई उनकी टीम रो के लव रोकी एंड बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पर रोकी होल्ड करे हुए हैं, बट जोन हमारा बन चुका है जोन पूरा सवर्नी का एरिया, सवर्नी के अंदर टी ऑफिशियल फोनिक्स गेट नॉकडाउन एच का, फोनिक्स को नॉक दिया गया है। फिनिश ऑफ डालने का ट्राई बट रोल अब अभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन फोनिक्स बहुत ज़्यादा ब्लड आउट है, दैट्स वाई आमिर भाई रिवाइवल दे रहे हैं। क्या रो रो की क्लोज इन करेंगे, लव तो आ चुके हैं डीपी, अभी यहाँ रोबोट भी आ चुके हैं, सैजी का मोलोटोल पड़ेगा बॉब के डीएसआरके को और फिनिश ऑफ भी लेके जाएंगे विद अगेन नेड ऑफ हंटर। रो का क्लोज इन आता हुआ बिल्कुल, लव आ चुके हैं अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, फोनिक्स रिवाइवल हो चुके हैं। 3v3 फाइट रो वर्सेज एच फोर के की फाइट कंटिन्यू रहेगी, रोलव को स्पोर्ट किया गया था अभी के लिए, वैनम हंटर काजी फरूका को भी फिनिश ऑफ डाल देंगे, यानी कि टीम टीडब्ल्यू ऑफिशियल ऑलमोस्ट यहाँ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है हमें टीम वैनम की ओर से। फोनिक्स फंसी रहे होगा थ्री प्लेयर्स ऑफ एच फोर के एंड थ्री प्लेयर्स ऑफ टीम रो, रो रो की बॉन्ड एंड लव। यहाँ ग्रेनेड्स आए हैं, डैमेज पड़ा है रयोगा को थोड़ा बहुत, फंसी को भी, फोनिक्स को भी पुश करना चाहिए। 1:10 है, थर्ड जोन है हमारा अभी के लिए, जोन पकड़ना चाहेंगी क्या टीम्स, 8 teams 28 प्लेयर्स बचे हुए हैं। अंदर द साइड टीम वैनम के हंटर फोनिक्स के मेडबुल को नेक देते हुए, फोनिक्स के तीन ही प्लेयर्स बचे हुए हैं अब यहाँ से। वैनम के प्लेयर्स स्लैम दे रहे हैं क्या, आई थिंक सो, सैजी क्लोज इन जाते हुए काफ़ी हद तक क्लोज जा चुके हैं सैजी, फोनिक्स के प्लेयर्स के जो मेडबुल नोक हुए थे वो इंस्टेंटली रिवाइवल अभी नहीं दिए गए, रिवाइव हो रहे हैं वो स्मोक कर लिए गए हैं फोनिक्स के प्लेयर्स की ओर से। आरओपी किलर बॉय किलर ओपी जो पीछे की ओर ही मौजूद है, यहाँ से डीबी का स्प्रे आ रहा है टीम वैनम के प्लेयर्स का, स्कल काफ़ी क्लोज में आ चुका है व्हीकल लेकर, और अपनी वो व्हीकल लेकर फिर से बैठा भी है उसमें और वो बीटी हो जाएगा, यहाँ पड़ेगी स्कल को। इतनी ज़्यादा देर तक व्हीकल में बैठे रहना किसी टीम के सामने ये एक अच्छी अलामत नहीं होती है। यहाँ से किलर ओपी फुल ऑन पीछे से कवर फायर रखे हुए, होला ऊपर की ओर देख रहा है, ज़ार ऊपर की ओर देख रहा है, मैट बुलियन रिवाइव हुआ है। टीम फोनिक्स वर्सेस टीम वैनम, 8 teams 28 players, तो कोई टीम क्यों न जाए फाइट के लिए जब इतने कम टीम्स बची हुई इतने बड़े जोन में, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे जोन टीम्स लेती हुई फाइट। होला अपनी व्हीकल लेकर निकलना चाहते हैं, ज़ार ओपी के क्या यहाँ पर स्लैम हो रहा है स्कल के ऊपर, आई थिंक सो, हाँ स्कल के ऊपर स्लैम होता हुआ, 1v2 सिचुएशन है स्कल की, दैट्स वाई यहाँ पे और बैठे बैठे ही ज़ार ओपी नोक देते हुए स्कल को, फिनिश ऑफ भी डाल ते हुए पीछे से डीपी 28 का कवर फायर उस लेवल का मिलता नहीं, लेकिन साजी मेडबुल को नोक दे देंगे दूसरी साइड से जाकर। टीम फोनिक्स के प्लेयर्स किलर ओपी वहां पर अकेले बचे हुए हैं, क्या टीम वैनम का स्लैम आएगा वहां, किलर ओपी थोड़ा दूर है अपने प्लेयर को पीछे ही बुलाते हुए रिवाइव देने के लिए, या स्मोक करके मेडबुल को रिवाइव देने का ट्राई। फोन कट रेडी है, साजी नोक देकर पीछे जाते हुए और किलर ओपी अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए। टीम वैनम के पास 4 kills हैं, क्या वो जोन जाएगी यहाँ से, क्योंकि जोन हमारा क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है, क्या ये फाइट छोड़कर वो जोन जाने वाली है। टीम एच फोर के रोटेट करते हुए जोन के अंदर ऑलरेडी टीम रो पहुँच चुकी है जोन के अंदर, वो फाइट इग्नोर करके टीम एच फोर के से, या फुंसी फोनिक्स एंड रहेगा काफ़ी पीछे है अभी, रहेगा अब तक पेटी लूट कर रहा है, उनके टीम्स के प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं जोन के अंदर और रहेगा पेटी लूट कर रहा है सबनी के वो कंपाउंड्स पेट्रोल पंप वाला एरिया जो टीम रो ऑलरेडी ले रखी है। स्प्रे डाउन हो सकते हैं यहाँ से आमिर भाई, फिलहाल तो दोनों तरफ से पड़ने वाली है, आमिर भाई को ड्रॉप के लिए फिर भी रुके हैं यहाँ। M4 क्या स्विच करने वाले हैं, ओम है क्या, जी आमिर भाई लूट कर रहे हैं अभी, देखते हैं क्या उनको मिलता है। ग्रोजा उनको मिल चुकी है, M4 एंड ग्रोजा स्विच कर चुके हैं वो,
लाल जोन बन चुका है फुल ऑन सवर्नी का जोन हमारा। एच फोर के रेयोगा आए थे, उनके उनकी डासिया पे इतनी ज़्यादा गोली पड़ेंगी, डैमेज हो चुकी है डासिया, सामने ही है रोक की टीम, किल लेना ज़रूर चाहेगी रोक है प्लेयर्स। रेयोगा को शायद स्पोर्ट हो चुके हैं लेकिन व्हीकल इतनी ज़्यादा लो कब तक जी, नहीं बिल्कुल नहीं, रोक की ने यहाँ से नोक दे दिया बिदना बैरल रेयोगा को, पूरा ओपन वन के सामने जाते हुए और फिनिश ऑफ करेंगे रो लव। रॉकी के दो लव के चार, एट टीम्स 25 प्लेयर्स अलाइव इन द जोन गाइस। और यहाँ पर फोनिक्स भी निकलती हुई क्योंकि वैनम की टीम निकलती हुई फुल बैक कर कर जोन के अंदर। फिलहाल टीम सी एच बी जस्ट क्लोज इन में टीम एच फोर के गफन से एक पोजीशन लेके होल्ड वगैरह बैठा हुआ है। फोनिक्स भी यहाँ से नोक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया, आई थिंक सो वो रेज की ओर से किया गया है। यहाँ एट टीम्स 25 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे, इन एट टीम्स में टीम वैनम, टीम फोनिक्स, टीम रेज, टीम रो, टीम एच फोर के, टीम टी डब्ल्यू 2.0, टीम सी एच बी एंड मेजर। यहाँ टीम्स वैनम अभी भी फाइट ले रही है इस ऑफ द जोन पर, लेकिन वैनम के वैनम के सैजी को पड़ेगी मैट बुल की डीपी 28 और नॉक किया है टीम फोनिक्स के प्लेयर्स ने। शायद सैज किलर ओपी आगे जाना चाहते हैं बट सैजी को इंस्टाटली रिवाइवल दे दिया गया है और टीम फोनिक्स के किलर ओपी व्हीकल में बैठे हुए हैं, अब तक बैठे हुए हैं, यानी कि स्लैम नहीं दिया गया है यहाँ पे। डीपी 28 के साथ सैजी फिर से नॉकआउट होते हुए फोनिक्स के मैट बुल की ओर से, ये वाला नोक बीटी देगा टीम वैनम को, बिल्कुल बीटी देगा वैनम के सैजी, इतना ज़्यादा नोक होते नज़र आते नहीं है बट फिर से मैट बुल की ओर से नॉकआउट हुए डीपी के साथ, इसको स्मोक कर लिए गए हैं वैनम के हंटर की ओर, साथ की ओर से ही फिलहाल सैजी हील रिवाइव हो चुके हैं और हील भी करते हुए अपने आप को टीम वैनम के प्लेयर्स। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर टीम फोनिक्स स्लैम नहीं कर रही है बल्कि यहाँ से फॉल बैक कर रही है और टीम वैनम भी उसी के साथ फॉल बैक करती है क्योंकि फोर्थ जोन क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से बीटी नहीं लेना चाहती ज़्यादा कुछ टीम वैनम के प्लेयर्स और टीम सीएचबी के, टीम फोनिक्स के प्लेयर्स। और इस वर्नी के अंदर जोन हमारा है लास्ट और वहीं पर टीम्स देख लीजिए, एक बाना उसके अंडर टीम मेजर्स, टीम सीएचबी दूसरे कंपाउंड्स के एरिया, टीम टीडब्ल्यू 2.0 एक और दूसरे अदर कंपाउंड्स और टीम रेज ऑफिस वाले कंपाउंड्स, यानी कि सवर्नी के अंदर चार टीम्स हमें नज़र आ रही हैं, टीम सीएचबी 2.0 रेज एंड मेजर। और फिफ्थ टीम भी इन्हीं के काफ़ी करीब, टीम रो के प्लेयर्स जो आगे पूरा प्रोनाउन हुए हैं, पीछे ही आमिर भाई अकेले अपनी टीम के लिए बचे हुए हैं टॉप एट टीम्स में, क्या वो अपनी टीम को यहाँ से पोजीशन क्या दिला के लेके जा पाएंगे वो देखना होगा। अभी रो के लव पीछे की ओर ही ध्यान बनाए हुए हैं, पीछे कंपाउंड सोलो कंपाउंड है, रो बॉन्ड पूरा होल्ड करके बैठे हुए हैं, रो की भी यहाँ पर पूरा होल्ड पोजीशन चलता है और रो की जस्ट प्रोनाउन हुए थे स्पॉटेड हो जाएंगे किलर ओपी को, दो प्लेयर्स बैक टू बैक नोक दे दिए रो के टीम फोनिक्स के किलर ओपिन है बट पड़ेगी उसको दूसरी साइड की टीम, रोके ऊपर स्लैम होता हुआ, रोके बॉन्ड जो अकेला प्लेयर बचा हुआ अपनी टीम को बचाने के लिए स्मोक कर लिए हैं उसने, टीम फोनिक्स सीधा स्लैम देती हुई अपनी व्हीकल्स के साथ, रोबॉन्ड रिवाइव दे रहा है लेकिन आमिर भाई वहाँ पर मौजूद है, फुनसी के ऊपर क्लोज इन होता हुआ टीम फोनिक्स के प्लेयर्स का, एक नॉक देंगे बट पीछे जाके फिनिश ऑफ हो जाएंगे टीम एच फोर के, गेट एलिमिनेटेड बाय हैशटैग 8। सेवन टीम्स बचती हैं हमारी 24 प्लेयर्स के साथ, टीम फोनिक्स के पास हैं दो किल्स अब और दो किल्स जैरो पी के, टीम रेज क्या स्लैम कर रही है, आई थिंक सो वो जोन पकड़ रही है, जहाँ फोनिक्स के प्लेयर्स एक अच्छा जोन के अंदर है, टीम रेज के निंजा गेट नॉक डाउन बाय रोबॉन्ड, रोके बॉन्ड की ओर से नॉकआउट हुए हैं रेज निंजा, रोबॉन्ड क्लोज इन भी करते हुए यहाँ से हिटमैन को स्पॉट किया है केम के साथ स्प्रे डाउन बट यहाँ से रोबॉन्ड थोड़ा सा बीटी होते हुए और रोबॉन्ड गेट नॉक डाउन, रोके रोकी एंड लव दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, रोकी के पास फर्स्ट एड तो है बट लगा नहीं रहे, रेज के डाल्टा यहाँ पर किल कन्फर्मेशन लेते हुए रोकी को फर्स्ट एड लगा लेनी चाहिए वरना नेड अगर आसपास भी गिरा तो नॉक हो जाएंगे, बट रोकी अभी हील नहीं कर रहे अपने आप को, अब करेंगे वो हील रो के लव भी यहाँ से पूरा प्रोन डाउन पड़े हुए हैं। 7 टीम्स 23 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस, टीम रेज जो एक सही जोन में है डिप में है, टीम रो जो एक व्हीकल्स के सहारे जो ऑफ द जोन बैठी हुई है, रोकी स्पोर्ट करेंगे यहाँ पर, स्पोर्ट किया था हिटमैन को काफ़ी हद तक, लो भी किया बट हिटमैन ओपी, फिर से हिटमैन का पोप तो आपको देखने मिल जाएगा उनकी स्ट्रीम पर ही, रेजिटमैन वाई टी के नाम से यूट्यूब चैनल है बट यहाँ से पॉप देखने को मिल रहा था हमें टीम रो रोकी का बट बैरल के साथ वो फिर नॉकआउट हो चुके हैं। टीम रेज शायद से क्लोज इन करना चाहेगी टीम रो के ऊपर बिल्कुल करते हुए, रो लव जो यहाँ पर अकेला प्लेयर मशीन गन दे है वो मशीन गन बीच गन उसके पास है, यहाँ से आरपीटी फिनिश ऑफ लेगा रो रोकी का, रो लव अकेला प्लेयर बचा हुआ है, आरपीटी स्मोक के अंदर जाता हुआ रो लव की मशीन गन चलती हुई, मशीन गन लेके आंधी चलाता हुआ रो लव और एक नोक दिया था वो भी फोनिक्स के होला ने, रोला फिनिश हो जाएगा आरपीटी की तरफ से, रेज करे डेल्टा नोक हुए, मेजर के सवाले नोक हुए फोनिक्स के प्लेयर्स की ओर से, रेज के निंजा नोक हुए, रेज डेल्टा फिनिश ऑफ डाल दिया गया फोनिक्स के होला की ही तरफ से,
तो टीम फोनेक्स भी बैक टू नॉक्स दे चुकी है, दो एक फिनिश ऑफ दे चुकी है रेत का। फोनेक्स के होला एक यहाँ पे स्प्रे देखने को मिला उनकी ओर से, प्रोन डाउन हो गया पूरा, बैठे हुए हैं पीछे से टीम मेजर्स आती हुई क्लोजिंग करते हुए थोड़ा सा रिवाइव देने का ट्राई करेंगे मेजर्स वाले को, मेजर जैद और टीम फोनेक्स के होला पूरा प्रोन डाउन हो गया। उनका डीपी का स्प्रे पड़ता हुआ, डीपी के शॉट्स आते हुए टीम मेजर्स की ओर से, टीम आराम की ओर से, सिक्स टीम थी ट्वेंटी सिक्स टीम ट्वेंटी प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस। थ्री किल्स है टीम फोनिक्स के पास, टीम रेज के पास सात किल्स हैं और तीन प्लेयर्स उनके अलाइव रहेंगे अभी के लिए। सैजी ऑल्सो गेट नॉक डाउन यहाँ से, टीम सी एच बी जो टीम वैनम के प्लेयर्स को क्या, जी हाँ सी एच बी के प्लेयर्स ने ही सैजी को नॉक दिया है और वो बग्गी पे नॉक है उनका प्लेयर्स। हंटर गया है रिवाइव देने के लिए, फुल बेटी उस पर लाया, उसके शॉट्स इतने ज़्यादा आ गए, हंटर की व्हीकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड कर दी गई है और वो किल कन्फर्मेशन क्या व्हीकल के साथ ही होने वाला है। स्मोक किया जा रहा है वैनम हंटर की ओर से, पहले तो स्मोक फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर बनती हुई एक अच्छी चीज़। सिक्स टीम्स 20 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे जोन के अंदर, जिसमें मेजर्स जोन के अंदर शायद से नहीं है, फोनेक्स भी नहीं है रेज के पास आई थिंक सो, वो एक अच्छा जोन। जी हाँ बिल्कुल, वैनम के सैजी हो चुके हैं रिवाइव वैनम हंटर की ओर से और यहाँ से सिक्स टीम 20 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे। टीम मेजर्स की बात कर लो तो उनके पास स्किल नहीं है, टॉप सिक्स में वो आ चुके हैं। टीम सी एच बी सिक्स किल 20 प्लेयर्स बचे हुए हैं मेरे अभी यहाँ से, टीम सी एच बी की फोनिक्स के सी एच बी के जीरो किल है और एक और नॉकआउट देते हुए टीम रेज के प्लेयर्स। फोनिक्स के मैडबुल गेट नॉक डाउन बाय मेजर हमाद की डी पी 28। हाँ फोनिक्स से मैडबुल का किल ले लिया रेज के आर पी टी ओ पी ने नेट के साथ। मेजर्स वाले गेट नॉक डाउन बाय वैनम साथ विद एम के 14 लेफ्ट एंड साइड से, वैनम को वैनम की पड़ रही है मेजर्स को, अमान काफ़ी हद तक लो हुए हैं, सवाले नोक पड़े हुए हैं, व्हीकल्स को भी पड़ रही है टीम मेजर के। हमाद भी थोड़ा बीटी में फंस सकते हैं, स्मोक करके फिर बचे नहीं तो ज़्यादा रिवाब दे चुके हैं मेजर के सवाले को और हम रेसोनो को फिनिश ऑफ करेंगे वैनम के सैजी, यानी कि टी डब्ल्यू टू पॉइंट भी एलिमिनेट होती है। पाँच टीम 16 प्लेयर्स बचे हुए हैं, राइट एंड साइड से टीम फोनिक्स मार रही है वी आर डी एम, टीम मेजर्स की आती हुई तो ये भी आर डी एम एक राहत भरी सांस भी हो सकती है अगर उस बी आर डी एम के लिए कोई रुकता है तो। बिल्कुल मेजर्स वाले रुके हैं लेकिन ये बी आर डी एम क्या उनको नोक भी दिला के जा सकती है। मेजर ज्यादा अपनी भी लेके जा रहे हैं, बी आर डी एम लेके मेजर्स वाले जा चुके हैं, एक कवर बनाने की ज़रूरत इस बी आर डी एम से रहने वाली है टीम मेजर के सवाले को और वो पेड़ पर जाके कवर तो बन चुका है अभी के लिए। होल्ड करें, अपने आप को हील करेंगे फोनिक्स के बोला, उनके जस्ट सामने ही प्रोन डाउन है राइट एंड साइड किलर ओपी आते हुए और स्प्रे शायद से वो उसके ऊपर ही पड़ रहा है। मेजर्स वाले उतरेंगे जस्ट और राइट एंड साइड से फिनिश ओप हो जाएंगे, टीम मेजर गेट एलिमिनेटेड हैशटैग 5 के अंदर फिर से बैक टू बैक फाइव बता हुआ फैन, क्योंकि मेजर अमान प्लेयर से फिनिश ऑफ हुए हैं और टीम वैनम की बात कर ली जाए तो दो प्लेयर्स उनके बचे हुए हैं, सात किल्स हैं, सोलो प्लेयर्स ऐसे ही बचे हुए हैं। टीम सी एच बी का खत्मा भी होता हुआ सैजी के नेट, टीम फोनिक्स की बात कर लो तो होला एंड किलर दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, टीम सी एच बी जा चुके, टीम फोनिक्स का डुओ, टीम रेज का यहाँ पर ट्रियो 10 किल्स हैं उनके पास। रेज का स्प्रे डाउन आ रहा है कंटिन्यू, रेज यहाँ वैनम का सैजी सोलो एक अच्छे जोन के अंदर। फोनेक्स का प्लेयर जो बी आर डी एम यूज़ करता हुआ जो मेजर्स के प्लेयर्स की ओर से आई गई थी फिलहाल पीछे जाता हुआ बी आर डी एम आगे लगाकर किलर बॉय को पड़ेगी काफ़ी हद तक रेज के प्लेयर्स की। वैनम की सैजी कुछ नहीं करना होल्ड के अलावा, सोलो प्लेयर है वो उन दोनों टीम्स की फाइट का मज़ा ले सकता है, अकेला प्लेयर एक फर्स्ट एड है लेकिन उसके पास फिलहाल देखना होगा कितनी देर तक। 9 किल्स है टीम वैनम के पास, 5 किल्स सैजी के पास है। टीम रेज हिटमैन सांप बनकर जोन पकड़ते हुए राइट एंड साइड से लेफ्ट एंड साइड से आर पी टी जाते हुए होल्ला एंड किल्लर ओपी दो प्लेयर्स हैं यहाँ से टीम रेज के। क्या यहाँ से क्या होगा, थ्री प्लेयर्स ऑफ टीम रेज या टीम फोनिक्स के वो दो प्लेयर्स कौन निकालेगा यहाँ से चिकन डिनर। लेट्स सी, वैनम के सैजी भी होल्ड करे हुए, क्या वो स्पॉट हो जाएगा। टीम वैनम का प्लेयर सोलो है सैजी, यहाँ बिल्कुल स्पॉट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से टीम रेज के प्लेयर्स की ओर से स्पॉट हुआ था लेकिन वैनम का सैजी फोनिक्स के ओला को करेगा स्पॉटेड और एक अच्छा नोक भी उनको दिया एंड फिनिश ऑफ विद एन एम के 14 करके फिर थोड़ा फॉल बैक करता हुआ अपने आपको हील करना चाहेगा वो कवर के अंदर एम के रिलोड करेगा अपनी ग्रेनेड आए हैं उसकी तरफ बट कोई ज़्यादा बीटी देंगे नहीं वो फुल बूस्ट अपने आपको करता हुआ वैनम सैजी बैंडेज लगाकर। फिलहाल टीम रेज के लिए अब आसानी होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि थ्री प्लेयर्स हैं तो रेज को भी पता है हम अकेले 3v1v1 है हमारा। किलर ओपी जाता हुआ बी आर डी एम के अंदर बैठेगा, वैनम का सैजी नोक दे चुका है रेज हिटमैन को विद एन एम 4 किल कन्फर्मेशन लेने का ट्राई और वो कर भी लेगा।
एनम सेज ही ओपन द चेक गाइस रेज के आरपीटी को नोक दे देगा किलर ओपी और इंस्टेंटली फिनिश ऑफ। लेकिन रेज आरपीटी का प्लेयर जी रेज आरपीटी का ग्रेनेड जाएगा जो फिनिश ऑफ करेगा किलर बॉय को। तो सेज ही जो अकेला प्लेयर बचा हुआ है उसको स्पोर्ट भी है शायद से प्लेयर जी नहीं, वो राइट हैंड साइड देख रहा है जी रेज निंजा तो पीछे बचे हुए हैं। 1v1 देखने को मिलेगा हमें रेज निंजा वर्सेज एनम सेज ही। एनम के सेजी के पास से 7 किल्स टोटल ओवरऑल 11 किल्स। रेज निंजा जो रिवाब देने का ट्राई करेगा आरपीटी को आई थिंक सो। वैनम के सेजी ने किए किल फील्ड की चूक यहाँ से हुई है, आरपीटी नॉक हुए थे के बाद आरपीटी के ग्रेनेड से यहाँ फिनिश ऑफ हुए थे। फिलहाल आरपीटी स्पॉटेड हो चुके थे वैनम के सेजी को, वो किल भी यहाँ से मिलता हुआ वैनम के सेजी को। टीम रेज के निंजा अकेले प्लेयर बचा हुआ है, वैनम का सेजी राइट हैंड साइड देख रहा है और अभी तक उसको पोजीशन मालूम नहीं है। रेज निंजा जाता हुआ मशीन गन लेकर अपनी, और मशीन गन लेकर यानी कि अब साउंड तो आ चुका है एम के वर्सेज मशीन गन, और यहाँ रेज निंजा ओपी इन द चैट गाइस। मशीन गन से कंटिन्यू अपने फायर रखकर मशीन गन का फायदा उठाकर टीम रेज का अच्छी कैंडिनर विद इन 12 किल्स। सेकंड पोजीशन पर टीम वानम आती हुई विद इन 12 किल्स। थर्ड पोजीशन पर टीम फोनिक्स आती हुई विद इन 4 किल्स। फोर्थ पोजीशन पर टीम सीएचबी विद इन 3 किल्स। टीम मेरा होती है फिफ्थ पोजीशन विद इन 0 किल्स। टीम सी टीडब्ल्यू 2.0 सिक्स पोजीशन पर 2 किल्स के साथ 3 किल्स के साथ। एंड टीम रो आती हुई 7th पोजीशन विद इन 6 किल्स एंड टीम एच4 के एंड ऑल।